सा सर है जो हम बना रहे थे वीडियो, तो सर पकड़ लिए, पूछताछ कर रहे थे कि लोहा काफ़ी चोरी हो रही, तो काफ़ी इंक्वायरी में मुझे किए हैं। सर अलग बनाएंगे, ठीक है, अलग बनाएंगे सर। घर पर ठीक है। ठीक है सर। आज से 10 साल पहले ये बना था आपका ट्रेन वाश के लिए, जैसे ट्रेन, तो ये देखिए सब टंकी से पानी वानी नहीं आती है, ये बोगी है, पूरा मशीन के द्वारा काट पीट के हटा दिया गया है। बस इसमें पहिया बचा है और बड़ा बड़ा स्प्रिंग बचा है। तो आपको लेके चलते हैं बोगी के अंदर, और अंदर में दिखाते कितना भयंकर, कितना बुरी तरीके से बाथरूम वगैरह का क्या हाल हो गया, ये देख रहे हैं। तो मुझे डर भी लग रहा, पर आप लोग की हिम्मत करके हम आए हुए हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो झाझा का ठंडा के बारे में कुछ बताइए। हाँ बताइए। झाझा झाझा का ठंडा समझो शिमला झाझा। सो गाइस, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है, और बहुत दिन से ब्लॉग आ नहीं रहा क्योंकि घर में कोई नहीं है, मतलब सब जो है पटना गए हुए हैं, तो इसीलिए सब पटना गए हुए हैं, इसलिए बाहर जाना नहीं हो रहा, मतलब झाझा से बाहर। तो सब पटना से आएंगे तो फिर झाझा से बाहर जाया जाएगा। तो अभी सोचे आप लोगों को जो है मेन्यू सेट में इंजन जो है कटता है ये वो, तो वही दिखा देते हैं, क्योंकि काफ़ी इंजन उंजन कट रही है, तो पूरा लोहा वो बिकता है, तो दिखाते हैं वहाँ। तो घर से अभी पटना से आ जाएगा तो फिर झाझा से बाहर आपको घुमाएंगे। तो अभी ताला लगा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो झाझा से बाहर तो जाना नहीं हुआ, तो चलिए यहीं कहीं दिखा देते हैं आपको स्टेशन, मतलब मेन्यू सेट जो बना है, वह हर जगह से जैसे इंजन उंजन ख़राब हो जाती तो यहीं आके मशीन से कटता है लोहा हुआ। और यहाँ मेरे मोहल्ला का लड़का जो है, यहाँ सब मोहल्ला का लड़का है, डिस्कस किया जा रहा है। कब टू या कहाँ, क्या डिस्कस हो रहा है? डिस्कस यही हो रहा है कि खेल में ध्यान दिया जाए, खेल पे ध्यान नहीं दे रहा अच्छा। चलिए सो गाइस, तो चलते हैं। हाँ थोड़ा बोगी वोगी दिखाएंगे, इंजन उंजन कटता है यहाँ पे, तो वही दिखाते। अभी घर में कोई नहीं है ना, इसी झाझा के बाहर कहीं नहीं जा रहे, तो चलते हैं, क्योंकि काफी दिन से लोग भी बोल रहे कि ब्लॉग आ नहीं रहा आ नहीं रहा, क्योंकि सब पटना गए हुए हैं, तो 15-20 दिन हो गया कोई नहीं, इसीलिए झाझा के बाहर नहीं जाना हो रहा। तो आएंगे वही 10 मतलब 20-25 तारीख को, 25 तारीख तक सब आ जाएंगे, तो फिर आपको झाझा से बाहर का टूर करवाएंगे। ये रास्ता चलते हैं, ये गली से जा रहे और काफी अच्छा लगने वाला है। बनाए कुछ नहीं, इनका भी ले लो थोड़ा सा। यहाँ क्या कर रहे, दिखा दे इनका भी ले लो थोड़ा सा, बना दे यहाँ एंजॉय कर रहे। जगह पटना। तो झाझा का ठंडा के बारे में कुछ बताइए। बताइए नजदीक जगह। झाझा का ठंडा समझो शिमला झाझा। शिमला कैसे है, कुछ हिंट दीजिए। चारों तरफ पहाड़ है, सुबह सुबह बर्फबारी हुई है, इससे ज्यादा और का शिमला में और क्या होगा। ऑरेंज का मतलब शिमला का मजा झाझा में। तो देखिए यहाँ ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, काफी लंबा ट्रेन है, पुरवा है, तो चलिए चलते हैं मंजिल तक और आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है। अच्छा ठंड का मजा मतलब है। चलिए बढ़िया है, आए खाना खाने के लिए आए हैं। अच्छा ठंडा उंडा कैसा पड़ रहा है? बहुत ज्यादा था, तो आज तो धूप निकला है कड़ा है। अब गर्मी आ गया, कहाँ से गया था। चलिए गर्मी आ गया, चलिए ठीक।
चलते हैं, बस आ ही गए हैं। तो ये जो आपको दिख रहा, ये जो बना था आज से 10 साल पहले, ये बना था आपका ट्रेन वास के लिए। जैसे ट्रेन वास वास होते हैं ना, उसके लिए ट्रेन वास के लिए ये बना था आज से 10 साल पहले। तो यहाँ मिशन कामयाब नहीं हो पाया। तो ये देखिए, सब टंकी से पानी वानी नहीं आती है। ये देखिए, ये पहले यहाँ पे वही जो ट्रेन वास के लिए बना था, पर देख रहे जगह जगह में पानी का पाइप लगा हुआ है, पानी का पाइप लगा हुआ, पाइप जो है बिछा हुआ भी है। पर यही है कि यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि पानी नहीं आ रहा या कोई कारण से। ये देखिए, यह नीचे जो है पाइपलाइन बिछा हुआ है नीचे, ये देखिए, पर कामयाब नहीं हो पाया। और ये साइड में आपको दिखाना चाह रहे हैं, तो चलते हैं, इसे फान के जाते हैं इधर और फिर दिखाते हैं। ये सब देखिए, ये यहाँ तो लग गई है। ये देखिए, ये जितना बोगी है पूरा मशीन के द्वारा काट पीट के हटा दिया गया है। देख रहे हैं काफ़ी दूर तक है। देखिए ये काफ़ी दूर तक है, ये सब जो है बोगी जो है मशीन के द्वारा कट कट के इसको हटा दिया है। और ये सब भी धीरे धीरे कटेगा, काम स्टार्ट है। अभी तो स्टार्ट नहीं, एक हफ्ता पहले स्टार्ट था, तभी ये बोगी पूरा कट गया, पूरा काट पीट के कंप्लीट हो गया है। बस इसमें पहिया बचा है और बड़ा बड़ा स्प्रिंग बचा है, और बस और कुछ नहीं। देख रहे ना, पूरा बोगी कट गया, देखिए दूर तक पूरा। ये तो हमारा लोकल ट्रेन है, ये तो ऐसा ही सुबह चलती है 5 बजे, तो इसलिए अभी यहाँ पे लगी हुई है। पूरा इंजन कट रहा है, और किसी दिन काम इसमें चालू होगा इंजन कटने का, तब आपको लाइव दिखाएंगे। तभी तो काम चालू नहीं, पूरा इंजन कट गया है, तो पूरा दूर तक पूरा इंजन कट चुका है जो था। ये देखिए पूरा कट चुका है, मिल गया। ये देखिए यहीं तक है, पर देखिए कितना दूर तक कटा हुआ, पूरा बोगी कट गया। पहले यहाँ पे जो है पूरा काम चलता था, पूरा काम चलता था। वहाँ पे जो आगे ट्रक आती थी, लोहा लेके चला जाता था काट कूट के। तो ये कंप्लीट हो गया है ये। और आपका जो है जो ट्रेन जो है अग्निपथ में जली थी, काफ़ी ट्रेन जली थी अग्निपथ में जो है, तब वो ट्रेन का व्यू देखिए आप, वो सब ट्रेन झाझा में आके रुकी हुई है। देखिए अब ये सब बोगी कटेगी, देखिए है ना, जो अग्निपथ में जो है 4 साल के लिए करे थे हमारे मोदी जी ने, तो सबके भलाई के लिए किए थे कि 4 साल में आप कीजिए अग्निपथ और फिर आराम से बैठ के खाइए। पर लोगों ने ऑप्शन जो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन उठाया, काफ़ी ट्रेन व्रेन जला दिया, काफ़ी सरकार को और आम आदमी को भी नुकसान हुआ है। बारीकी दिखा रहे हैं आपको, ये सब ट्रेन जो है बंगाल का है, झारखंड का है, आपका जाके आगे लखीसराय वगैरह का है, भागलपुर साहब का जो जला था ट्रेन, जो कुछ इतना बचे हैं ट्रेन। और देखिए एकदम जूम करके दिखा रहे हैं, देखे कितना बुरी तरीके से जला हुआ है ट्रेन। अब ये सब भी कटेगा धीरे धीरे, देखिए पूरा बोगी जला हुआ है, पूरा बोगी देखिए। तो ये सब भी आपका कटेगा, जब कटेगा तो लाइव आपको दिखाएंगे। आगे चलते हैं,
जिस दिन जैसे काम यहाँ पर स्टार्ट होगा, जैसे बोगी वोगी कटने के लिए मशीन के द्वारा, तो आपको लाइव दिखाएंगे। ये देखे पूरा कट उट के फिर देख रहे सामान वान सब फेंका हुआ है, ये सब पूरा पूरा इधर सीट वगैरह सब पूरा यहाँ पे काम चालू था। देख रहे पूरा काम चालू था यहाँ पे, नहीं देखे इस, तो आपको लेके चलते हैं बोगी के अंदर और अंदर में दिखाते कितना भयंकर कितना बुरी तरीके से जला हुआ है। तो चलते अंदर, और हम मुझे डर भी लग रहा क्योंकि पुलिस वुलिस आ जाएंगे तो फिर मुझसे बोलेंगे ये क्या कर रहा है, तो बता देंगे कि ब्लॉग बना रहे हैं। तो चलिए आप लोग के लिए रिस्क लेते हैं, चलते हैं अंदर। ये पूरा कटा हुआ वो वाला बोगी तो पूरा कट गया, अब ये वाला अंदर लेके चलते हैं। मुझे डर भी लग रहा पर चलते आपके लिए अंदर पूरा दिखाते आपको। सो गाइस, तो अंदर आ चुके हैं और अंदर का पार्ट देखिए आप कितना बुरी तरीके से जला हुआ है। सो गाइस देखिए कितना बुरी तरीके से जला हुआ है, पूरा पंखा से लेकर हर चीज। मुझे लग रहा ये बस है, पर बस नहीं है, ट्रेन है। देखिए बाप रे बाप, ये देखिए वॉशरूम का ये का क्या हाल हो गया है, बाथरूम वगैरह का क्या हाल हो गया है, ये देख रहे हैं बाप रे बाप। नीचे देखिए क्या हाल हो गया है। यह सब आपका ट्रेन आई है, कोई दरभंगा से आया है, कुछ कुछ बंगाल से आया है, कुछ आपका जा कर के बिहार से आया है। तो गाइस, तो मुझे डर भी लग रहा है पर आप लोग के हिम्मत करके हम आए हुए हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप पूरा शेयर कीजिए दोस्तों। तो आपको पूरा एकदम कि डर के, क्योंकि पुलिस वुलिस देख लेगा मुझे पकड़ लेगा, बोले ये क्या कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, आपके लिए इतना कर रहे दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो अब चलते बाहर, बाहर मुझे डर भी लग रहा, और ये साइड से उतरते ना ये साइड से उतरते हैं, उतर गए दोस्तों। और यहाँ का हाल देखिए, भागलपुर आनंद विहार देख रहे हैं। तो देखिए ये सब बोगी कटेगी, अभी कटा नहीं है, सब कटेगा। तो अब चलते हैं, आप थोड़ा बाकी ये भी कट जाएगा ये बोगी पूरा। तो जिस दिन कटेगा तो फिर लेके आएंगे आपको। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या बोले, चलते हैं आगे, चलिए चलते रहिए। देखे कितना बुरी तरीके से जला हुआ है, अंदर का पूरा दिखा दिया आपको, रिक्स लेके जल किए हैं अंदर, देख रहे मत आइए यार्ड में, ठीक है। नहीं तो बनाना है। सो गाइस, तो हमारे साथ सर है जो हम बना रहे थे वीडियो, तो सर पकड़ लिए, पूछताछ कर रहे थे कि लोहा काफ़ी चोरी हो रही, तो काफ़ी इंक्वायरी में मुझे किए हैं, वीडियो में सर ठीक है अलग बनाएंगे, ठीक है सर। तो सर जो पकड़ लिए थे मुझे, तो बोले थे यहाँ से काफ़ी लोहा हुआ चोरी हुआ है, तो
क्या कर रहे हो? तो हम बता दिए सर वीडियो बनाते हैं यहाँ पे। तो बोला अच्छा ठीक है। तो काफ़ी मुझे डर भी लग रहा था, क्या बोले, काफ़ी डर लग रहा था पकड़ लिए, क्योंकि अंदर बनाए ना फिर इधर आ गए तो मुझे पकड़ लिए, पकड़ पूछताछ करने लगे क्या करते हो ये वो पूरा सब पकड़ लिए भैया। हम तो बोले चोर और लोहा, यहाँ डेली चोरी होता है ये वो। तो मुझे डर से, पर डर किस बात की, जब आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा तो डरिए क्या। हम बोला क्या करते हो, किससे बात कर रहे थे, यहाँ इन्फॉर्मेशन देते हो कि यहाँ पे लोहा चोरी होता है, किससे बात कर रहे। बोले बात नहीं कर रहे थे सर, वो ब्लॉग बना रहे थे अपना व्यूअर के दिखा रहे थे। बोले अच्छा, फिर फोटो वोटो हमारे लिए, फिर बोले देखे चैनल देखे तो बोले अच्छा तब छोड़े। तो काफ़ी डर भी लगता था। तो चलते हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं। रिक्स में लेके गए, रिक्स आप लोग के लिए लिए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, तो आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं। इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आपका होस्ट, आपका दोस्त ब्लैक बॉय कल्लू, इसी तरह आपके लिए रिक्स लेते रहेगा। लव यू गाइस।